अस्सलाम वालेकुम, मैं सरदार उसामा, सेल मैनेजर अबुजा स्टेट, डीएचए कराची। आज की वीडियो में आपको एमडीएस स्कीम वन के हवाले से अपडेट करूंगा कि ओवरऑल क्या प्राइजेस चल रही हैं, क्या अपडेट है और आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की जाए। और मैं इतना ज्यादा एमडीएस स्कीम वन के हवाले से क्यों बात करता हूँ, क्या इस प्रोजेक्ट में इतनी खासियत है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इंशाल्लाह एमडीएस स्कीम वन के हवाले से इसमें मैं तकरीबन जितनी भी ब्रीफ है वो आपको दूंगा कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करें, क्या इसके बेनिफिट हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। नए आने वाले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद भी आपको एमडीएस स्कीम वन या दीगर कराची के एक अच्छे प्रोजेक्ट के हवाले से अपडेट मिल सके जहां आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। एमडीएस स्कीम वन की बात की जाए तो एमडीएस स्कीम वन जो है मेन नेशनल हाईवे पे एग्जिस्ट करता है आफ्टर गुलशन हदीद से 1.5 मिनट की भी ड्राइव नहीं है, उससे भी कम ड्राइव है, जहां लिंक रोड से आप सुपर हाईवे की तरफ जाते हैं, उसके बाद जो लैंड है वो एमडीएस स्कीम वन की है। एमडीएस स्कीम वन में जो है 100, 200, 400 yard की कटिंग है। और इतना ज्यादा वैल्यूएबल क्यों है ये जगह और इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों हो रही है यहाँ पे, अब मैं इस पे बात करूंगा। देखें, अगर मैं अपनी बात करूं तो हम लोग यहाँ डीएचए कराची में बैठ के एमडीएस स्कीम वन का सिर्फ काम करते हैं, उसके अलावा सिर्फ डीएचए के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। तो ऐसी क्या खास वजह है कि सिर्फ इसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं? उसकी वजह यह कि एमडीएस स्कीम वन जो है मेन नेशनल हाईवे पे एग्जिस्ट करता है और इसी के बैक पे जो है डीएचए सिटी कराची, मेरे चैनल पर उसके बारे से भी आप देखते होंगे, तो डीएचए सिटी कराची उसके बैक पे है। बेसिकली एमडीएस स्कीम वन का जो सेक्टर 25 है, वहां से डीएचए सिटी कराची के सेक्टर 13 का जो डिस्टेंस है वो है तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर का। और अभी जो है लिंक रोड का भी ये हो गया है, टेंडर हो गया है कि जो लिंक रोड जा रही है एमडीएस स्कीम वन के बराबर से सुपर हाईवे पे, इसका टेंडर हो गया है और कुछ टाइम में इसका काम स्टार्ट होने वाला है, 4 लेन लिंक रोड बनी गई है। इसके अलावा दूसरी अहम चीज जो मलीर एक्सप्रेसवे बन रहा है उसके रूट में एमडीएस स्कीम वन आता है बहुत ही प्राइम लोकेशन पे, यानी कि आने वाले टाइम में जब हम डीएचए फेज 8 कराची से डीएचए सिटी कराची जब जाएंगे तो तकरीबन 20 से 22 मिनट में हम इंशाल्लाह डीएचए सिटी कराची पहुंच जाएंगे। तो उसके हिसाब से अगर एमडीएस स्कीम वन की बात की जाए तो 20 मिनट में हम एमडीएस स्कीम वन पहुंच जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी अहम बात जिस वजह से हम यहां काम कर रहे हैं। तीसरी सबसे अहम बात कि इस वक्त कराची में काफी लैंड ऐसी है जो लीज नहीं है, लोग स्टैम्प पेपर पे रह रहे हैं, और इसकी सबसे अहम बात है कि लीज डॉक्यूमेंट है इसका सबसे अहम बात। और जो चौथी अहम बात है वो ये है कि जो प्राइजेस हैं वो हर उस तबके की रेंज में है जो बंदा सोचता है कि 4-5 लाख हो मैं कराची के अंदर एक प्लॉट ले लूं और आज से 3-4 साल बाद वहां कंस्ट्रक्शन कर लूं। अब आपका क्वेश्चन ये आता है कि 20 साल पुराना प्रोजेक्ट था तो होना होता तो तब भी डेवलप हो जाता, कंस्ट्रक्शन हो जाती, अब क्यों, ऐसी क्या बात खास बात है? ऐसी बात नहीं है। अभी जो एमडीएस स्कीम वन में डेवलपमेंट का काम है वो 70-80% कंप्लीट है। जैसा सेक्टर 2 है सेम वैसा ही सेक्टर 25 है जो आखिरी सेक्टर है एमडीएस स्कीम वन का। जो बीच में एक डिफरेंस है वो ये है कि सेक्टर 9 से लेके सेक्टर 15 के दरमियान एक थोड़ा सा कच्चा पैच है, इसमें एक पुलिया कहें या आप छोटा सा एक पुल कहें, उसके पिलर खड़े हुए हैं, सिर्फ वहां रखना है वो। तो इसके वाले से हमारी जो अभी लास्ट मीटिंग हुई थी तो सुनने में आया था कि मार्च अप्रैल तक इसका टेंडर आएगा और इसको भी रख दिया जाएगा, उसके बाद बैक सेक्टर्स पहले वाले सेक्टर से ज्यादा वैल्यूएबल होंगे। तो अभी अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, जो बंदा ये सोच रहा हो कि मैंने अगले साल या 2 साल में घर बनाना है, तो उनके लिए सबसे आइडियल सेक्टर है सेक्टर 2, सेक्टर 9, सेक्टर 11 या सेक्टर 17। ये सेक्टर ऐसे हैं जो बिल्कुल मेन रोड के साथ हैं। सेक्टर 2 नेशनल हाईवे पे आ रहा है, 2 के बाद 9 आता है, फिर 11 आता है जो लिंक रोड वाले पे आता है जिसका 4 लेन रोड बन रही है। उसके अलावा सेक्टर 17 भी मेन रोड पे आता है। जी, कुछ भाई हैं जो इसमें गलत ब्रीफ करते हैं लोगों को, सेक्टर 17 की जो एक्सिस है मेन लिंक रोड से एक्सिस है, आप जाके विजिट कर सकते हैं, वहां पे देख सकते हैं। तो ये वो सेक्टर हैं। अच्छा, इन सेक्टरों में प्राइजेस की बात की जाए तो तकरीबन समझे कम से कम सेक्टर 17 की बात की जाए 7 लाख रुपए, सेक्टर 2 की बात की जाए तो तकरीबन 14 लाख रुपए का प्लॉट मिलता है, 9 में तकरीबन
9.5-10 लाख रुपए तक, इसी तरह 11 में और 9 में सेम रेट है 100 गज का। इसी तरह आप 200 यार्ड की बात की जाए तो सेक्टर 2 में 25, सेक्टर 9 में 16-17 लैक्स और सेक्टर 11 में सेम, और सेक्टर 17 में 12-13 लाख रुपए का 200 गज का प्लॉट मिलता है। इसी तरह 400 गज के प्लॉट भी स्टार्ट होते हैं 40 लाख रुपए से सेक्टर 2 में, और 9 में तकरीबन 25 लाख से, 11 में भी 25 लाख से, और 17 में 17-18 लाख रुपए से। तो अच्छा, इन सेक्टरों में कमर्शियल प्लॉट्स भी हैं, लोग बड़े पैमाने पे भी जो बाइंग हो रही है वो सेक्टर 2 में हो रही है। उसकी वजह यह है कि सेक्टर 2 में कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, 30-35 घर बन चुके हैं, मजीद बन भी रहे हैं और बहुत तेजी से, समझे, वहां डेवलपमेंट का काम तो कंप्लीट है पर कंस्ट्रक्शन की जा रही है। सेक्टर 2 में प्लॉट लेके आज फौरी आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। आपका एक साल बाद कंस्ट्रक्शन का माइंड है या 6 महीने बाद करो, 9 में ले सकते हैं, 11 में ले सकते हैं, साल डेढ़ साल बाद का प्रोग्राम है तो 17 में ले सकते हैं। इसके अलावा जो पीछे के सेक्टर्स हैं उसको पीछे का इसलिए कहा जाता है कि उसमें जो पुलिया है वो अभी लगी नहीं है सेक्टर 9 से 15 तक, वो लगने के बाद वो ज़रा अच्छे सेक्टर हो जाएंगे। अच्छा, वहां भी उनको डायरेक्टली एक्सेस है लिंक रोड से, सेक्टर 24 के बाद गेट नहीं बना मगर फ्यूचर में बनेगा। तो इस तमाम ऐसी चीजें हैं जिस वजह से हम लोग MDA स्कीम 1 में काम कर रहे हैं। और सबसे अहम बात लीज डॉक्यूमेंट, इस वक्त कराची में जितनी सोसाइटी है उसमें से समझें 40-50% की बात की जाए तो सब एग्रीमेंट पर रह रहे हैं, लीज डॉक्यूमेंट है ही नहीं किसी का। लीज डॉक्यूमेंट एक बहुत वैल्यूबल चीज होती है, 99 ईयर लीज होती है और सबसे स्ट्रांग डॉक्यूमेंट होता है वो। मजीद आपको MDA स्कीम 1 के हवाले से कोई भी अपडेट चाहिए हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी हो या कोई चीज सेल करनी हो तो मेरे कॉन्टेक्ट पे कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो भी हमसे बेहतर हो सका वो आपके साथ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।